हेलो फ्रेंड एन अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है भाई वो ये होने वाला है, हम जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? हैदराबाद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में जो है ना हमारी जो है कज़न की शादी है, और जो है ना इसलिए हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद कि मुझे ये व्लॉग बनाना चाहिए। और इसलिए भी जो है मैंने बस मोबाइल का कैमरा खोला और जो है मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। काशीज़ के बाद मतलब जो भी मैंने व्लॉग बनाया था वो डाला था, उसके बाद फिर मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी व्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू करूँगी, लेकिन जो है ना मसरूफियात जो है वो बढ़ गई है, तो इसीलिए जो है रोज़ाना व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपनी व्लॉगिंग रोज़ाना की जो है वो स्टार्ट कर दूँ। और ये है हमारी प्यारी सी और छोटी सी ब्राइड, और ये जो है मेरी बहुत छोटी सी कज़न, मतलब हमने मतलब हमारे साथ जो थे छोटे छोटे कज़न थे, अब जो हमारे सामने के जो छोटे छोटे कज़न थे वो बड़े हुए हैं माशाल्लाह से, उनकी शादियाँ होनी है। तो मुझे बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत ज़्यादा ना जब इनकी रुखसती हो रही थी तो बहुत ज़्यादा मतलब दिल जो है ना इतना सा हो रहा था। और जो है ना बस यार रुखसती के टाइम ही ऐसा होता है कि ना बहुत मतलब दिल अजीब अजीब सा होने लगता है। तो भाई हम लोगों ने शादी में जाके बहुत 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 इन्जॉय किया, और खाने का टाइम शुरू हो चुका था, और मैं जो है मैंने सोचा कि इस मोमेंट को भी हमें व्लॉग में लेना चाहिए, तो ये जो था ये भी हमने व्लॉग में ले लिया था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो है हमारी जो इशाल थी वो थी रेडी पिक्चर्स के लिए, मैं इसी पिक्चर्स दे रही थी। अच्छा, शादी में आकर बिल्कुल हम लोग गुम हो गए थे, ये अपने दोस्तों में अपने कज़नों में थी और मैं जो है अपनी कज़न के साथ थी, और जो है ना थोड़ी सी व्लॉगिंग करी मैंने। और अब हम जा रहे हैं वापसी कराची, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी फैमिली को जो है मैं फ्रंट से तो नहीं ले सकती व्लॉगिंग में सबको, मैंने सोचा कि क्यों ना पीछे से ही व्लॉग में सबको ले लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने व्लॉग तकरीबन हम हैदराबाद से कराची 4:30 बजे तक आ गए थे या 5 बजे तक आ गए होंगे। उसके बाद घर पर आए अम्मी लोग की तरफ, वहाँ पर जो है भाभी ने चाय वगैरह बना कर दी सबको, और जो है फिर मैं और इशाल सबके सोने के बाद हम लोग चले गए घर पर। तो घर पर भाई हम इसलिए गए क्योंकि हमें अम्मी के घर पर नींद नहीं आती है, तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं अपने घर आ जाती हूँ, रुकती हूँ, मैं वहाँ रात रुकती हूँ, लेकिन जब सुबह 6-7 बजते हैं तो मैं वहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर अपना खामोशी के साथ जब सब सो जाते हैं तो फिर मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ और वहीं जाके सोती हूँ। और घर पे जो सुकून की नींद आती है ना वो मैं कहती हूँ कहीं पे भी नहीं आ सकती, कोई महल ही क्यों ना हो, मैं तो ज़्यादा जो है अपने बिस्तर पर ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। अम्मी के घर जाती हूँ, मैं रुकती हूँ, रात में रुकती हूँ पर मैं सोती नहीं हूँ वहाँ। जब जैसे 6-7 बजते हैं रोशनी होती है, वहाँ से मैं अपना बैग वगैरह उठाती हूँ और वापसी शाल को रिक्शा लेकर, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा मिल जाता है उस टाइम पर, और मैं ले आती हूँ। और यहाँ पर शाल जो है रिक्शे में भी सो रही थी, वापसी घर में आके इसको मैंने चेंज करवाया और ये भी यहाँ पर भी सो गई और साथ में मैं भी सो गई। फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, और जो है वहाँ पर जो है मुझे शाम में जो है भाभी की कॉल आ गई थी कि ऐसी ऐसी करके दावत है, और दावत जो है वो इसलिए थी क्योंकि भाई की बर्थडे थी, तो इसीलिए जो है हम लोग वहाँ पर नेक्स्ट डे भी मुझे अम्मी के घर जाना पड़ा। और नेक्स्ट डे फिर मुझे जो है अम्मी के घर से तैयार हो गए रेडी होकर, फिर हम गए थे भाई की बर्थडे के लिए और भाई के ससुराल में, तो वहाँ पर जो है हमने बहुत इन्जॉय किया, और हमसे ज़्यादा जो है ना इन्जॉयमेंट बच्चों की हो जाती है, और जो है ना सबके साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है, और जो है काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है, और जो है ना बस ये छोटे छोटे जो मोमेंट होते हैं ना, बस ये पल जो होते हैं ना बहुत यादगार बन जाते हैं। और बहुत जो है ना आंटी और जो है सब अनुषा है, अलीशा है, इन सब ने ना मिलकर जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वक्त, ये एक जो वक्त होता है ना वो यादगार बन जाता है, और जो है ना अच्छे वक्त को बनाने के लिए ना बहुत सारी मेहनत चाहिए होती है, और बहुत सारी मेहनत के साथ साथ आप स्ट्रगल भी करते हो, आप खुद की भरपूर यही कोशिश होती है कि यार हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको बहुत उसको स्पेशल फील करवाने के लिए जो है सब मतलब करते हैं। और जो है ना आंटी ने, अनुषा ने, अलीशा ने बहुत 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 रिस्पेक्ट दी, बहुत अच्छा सा जो है हर चीज़ बहुत अच्छी सी मैनेज करी हुई थी, बहुत इन्जॉय किया, बस अल्फाज नहीं है, पर थैंक यू सो मच अगर वो मेरी वीडियो या मेरा व्लॉग देखें तो। और जैसे जैसे केक कट हो रहा था और बच्चों की जो नज़रें थी ना वो बस केक के ऊपर थी, केक के जो है बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं भाई। केक कट करने के बाद जो है आंटी लोगों ने दस्तरखान लगा लिया था, और यहाँ पर जो है अब हमारा डिनर टाइम शुरू हो चुका था, और खाना जो था वो बहुत 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 मज़ेदार बना था, और हर खाने में ना एक खुलूस मोहब्बत एक अलग ही दिख रही थी। दस्तरखान भी बहुत अच्छे से जो है लगाया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और सब खाने बहुत मज़ेदार बने हुए थे। फिर मैंने सोचा अरे मेरा मोबाइल कहाँ है, और फिर मैंने कैमरा ऑन किया, फिर मैंने आप लोग के लिए व्लॉग बना लिया, तो मैंने सोचा कि भाई इस वाले जो मतलब हमारी जो ये मेमोरी है इसको भी हम सेव कर लेते हैं, तो ये भी हमने सेव कर ली। तो खाने जो थे बहुत 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 यम्मी बने थे,
और बिरयानी थी, चिकन बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी, रेशन सैलेड था और मैक्रोनी बनी हुई थी और रायता तो वो बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। अच्छा, बात खाने पीने की नहीं होती है, बात ना रिस्पेक्ट की होती है। मतलब आप सामने वाले को के लिए क्या कर सकते हो, सामने वाले को बहुत स्पेशल फील करवाने के लिए आप ये सब करते हो। और यहाँ पर जो था भाई वो हमें बहुत अच्छा सीन दिखाया, एक तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई दोबारा मुझे कैमरा ऑन करना चाहिए और दोबारा मुझे इनको भी ब्लॉग में लेना चाहिए, तो ये मुझे बहुत स्वीट लगे और बहुत प्यारे से थे ये। यहाँ पे हो रही है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। गिफ्ट जो थे वो बहुत 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 अच्छे थे और जो है सबको बहुत पसंद आए, तो दोबारा से फिर मैं एक दफ़ा दोबारा से बोलूँगी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को कर देगा सब्सक्राइब। वीडियो को आपने लाइक करना है थम्स अप करके, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जाकर, शेयर किस तरह करना है वीडियो का जो लिंक है वो आगे आप लोग शेयर कर देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।